मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी लोग नमस्कार आदाब जय इस बुक के सभी सवालों के सोल्यूशन लेकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों ये जो बुक है एस एस सी जी डी दो हजार चौबीस का जो पेपर होने वाला उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में है इसमें सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है मैथ रीजनिंग जीएस इंग्लिश और ये सब चैप्टर वाइज है तो आप इसको ले सकते हैं इसको कर सकते हैं इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए उसका सलूशन हम यहाँ पर लेकर आए हैं अभी हम लोग जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग कोडिंग और डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग के हम लोगों ने 125 सवाल कर लिए हैं अब 126 नंबर सवाल पे चलेंगे ये बुक आप ओपन करेंगे तो इस बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 126 होगा वो एक यही हो एक निश्चित कूट में मूव को एन क्यू डब्ल्यू जी और मूव को एस डब्ल्यू टीवी लिखा जाता है उस भाषा में टास्क कैसे लिखा जाएगा सात फरवरी दो को थर्ड में यह प्रश्न पूछा गया है मूव का कोड है एम ओ वी ई मूव का कोड है एन क्यू डब्ल्यू जी इसी प्रकार रस्ट का कोड है आर यू एस टी एफ डब्ल्यू टी वी अब अगर यहां पर देखें अपन एम की वैल्यू थर्टीन है ओ की फिफ्टीन है वी की ट्वेंटी टू है ई e का फाइव है का 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 है, 15 से प्लस टू हो रहा है, से प्लस वन हो रहा है, पांच से सात प्लस टू हो रहा है यानी प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू, प्लस वन प्लस टू। ऐसे यहाँ पे देखिये आर की वैल्यू एटीन है यू की ट्वेंटी वन है एस की नाइनटीन है टी की ट्वेंटी है एस की यहां पर 19 है ट्वेंटी थ्री है टी की ट्वेंटी है, है तो 18 से 19 प्लस वन हुआ 21 से 23 प्लस टू हुआ 19 से 20 प्लस वन हुआ ये प्लस टू हो गया तो प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू चलता रहेगा हमें बताना है टास्क टी एस के टास्क इसकी वैल्यू लिखनी है तो प्लस वन करेंगे तो ट्वेंटी है प्लस वन करेंगे यू हो जाएगा a की वैल्यू वन है प्लस टू करेंगे तो सी हो जाएगा एस की वैल्यू नाइनटीन है फिर प्लस वन करेंगे तो ट्वेंटी हो जाएगा के इलेवन है प्लस टू करेंगे थर्टीन हो जाएगा यू सी एम इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यू सी टी एम ठीक है क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सेवन देख लेते हैं क्या होगा एक निश्चित भाषा में डेंजर को E जी एन ए डी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है डिटेल को एल आई ए टी डी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है उसी भाषा में डॉक्टर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा सात फरवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है तो देख लेते हैं डेंजर डी ए एन जी ई आर डेंजर का कोड क्या है आर ई -E जी एन ए डी इसका कोड क्या है देख लेते हैं डी अब देखो यहां पर अगर मैं अल्फाबेट की नंबरिंग कर दू एक दो तीन चार पांच तो पहले छठा है फिर पांचवा है फिर चौथा है फिर तीसरा है फिर दूसरा है फिर पहला है यानी इसको उल्टा करके लिख दिया गया और कुछ नहीं किया गया ऐसे ही डिटेल में पहले एल है फिर आई है फिर ए है फिर टी है फिर ई है फिर डी है तो डॉक्टर में क्या करोगे पहले आर है ओ है टी है सी है ओ है डी है रट कोड आंसर हो जाएगा आर ओ टी सी ओ डी यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देख लेते हैं निश्चित कूट भाषा में प्रूफ्ट को 55 लिखा जाता है रिमूवर को 81 लिखा जाता है उसी भाषा में डिवोर को कैसे लिखा जाएगा सात फरवरी 2023 को फोर्थ में यह प्रश्न पूछा गया है प्रूव्ड पी आर ओ डी -E प्रूव्ड का कोड है वैल्यू लिख लेते हैं देख लेते हैं प्लेस वैल्यू पी की वैल्यू 16 है आर की 18 है ओ की 15 है वी की 22 है ई e की 5 है डी की 4 है जोड़ दो जरा 6 8 14 14 5 19 उन्नीस दो इक्कीस इक्कीस पांच छब्बीस छब्बीस चार तीस तीन एक चार एक पांच एक छो आठ यहां पर कितना आ रहा, 80 आ रहा है लेकिन अपने को लाना कितना फाइव लाना है ठीक इसी प्रकार अगर रिमूवर का कोड देखोगे अगर आप रिमूवर के वैल्यू को ऐड करो तो कितना आ जाएगा ठीक है अच्छा 80 से 65 लाने के लिए 15 माइनस कर सकते हैं एक बार हमने ट्राई किया 15 माइनस करें तो 65 अब देखो रिमूवर में भी यही लॉजिक लग रहा है क्या अगर मैं रिमूवर देखूं तो रिमूवर में भी यह लॉजिक लग रहा है क्या आर ई एम ओ वी आर रिमूवर का कोड क्या दिया है एट्टी तो जरा इसकी वैल्यू देख लेते हैं रिमूवर की आर की वैल्यू 18 है ई का कितना है 5 है एम का कितना है 13 है ओ का कितना है 15 है V का कितना है 22 है E का कितना है 5 है R का कितना है 18 है जोड़ लेते हैं 8 5 13 13 3 16 16 5 21 21 2 23 23 5 28 28 8 36 3 1 4 4 1 5 1 6 2 8 1 9 96 96 में अगर 15 माइनस करें तो कितना आ रहा है 81 आ का मतलब बिल्कुल सही है हमें इनकी वैल्यू को जोड़कर फिर पंद्रह माइनस कर देना है तो हमें डिवोर की वैल्यू जोड़नी है डी ई वी ओ यू आर इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी डी की वैल्यू फोर है ई की कितनी है फाइव है बी की कितनी है ट्वेंटी टू है ओ की कितनी है फिफ्टीन है यू की कितनी है ट्वेंटी है आर की कितनी है एट्टीन है जोड़ लेते हैं चार पांच नौ नौ दो ग्यारह ग्यारह पांच सोलह सोलह एक सत्रह चार इक्कीस चार पच्चीस दो एक तीन दो पांच एक छ दो आठ एट्टी फाइव पंद्रह माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा पांच चार नौ दो ग्यारह पांच सोलह एक सत्रह चार इक्कीस चार पच्चीस दो एक तीन दो पांच एक छह दो आठ पचासी में से पंद्रह माइनस करेंगे तो सेवेंटी आ जाएगा यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेवेंटी क्लियर है चलिए सबकी प्लेस वैल्यू को लिख कर जोड़ के पंद्रह माइनस कर देना है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ट्वेंटी नाइन में आठ फरवरी दो हजार तेईस को फर्स्ट फिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि मेक को थर्टी टू क्वेड को फोर्टी फाइव लिखा जाता है तो सेल्फ को कैसे लिखा जाएगा तो देखिए मेक यानी एम ए के ई की वैल्यू है 32 जरा इनकी प्लेस वैल्यू लिखें 13 प्लस 1 प्लस 11 प्लस 5 31 41 55 10 दो एक तीन 30 प्लस 2 अगर कर दें तो 32 मिल जा रहा है ऐसे क्वाड को देखते हैं जरा क्वाड देख लेते हैं QUAD QUAD की वैल्यू कितनी है 45 लिख लेते हैं 35 U का 21, A का 1, D का 4, जोड़ो जरा सात एक आठ एक चार तेरह दो एक तीन एक चार फोर्टी थ्री है फोर्टी थ्री में अगर प्लस टू कर गए फोर्टी फाइव आ रहा है यानी इनकी प्लेस वैल्यू लिखकर जोड़ देना है जो भी आए उसमें प्लस टू कर देना है हमें बताना है उसी भाषा में सेल्फ का कोड क्या होगा एस ई एल एफ सेल्फ का कोड एस की वैल्यू 19, ई e का कितना है 5, एल का कितना है 12, एफ का कितना है 6, 9, 5, 14, 2, 16, 6, 22 हासिल लगा दो एक तीन एक चार बयालीस में प्लस टू कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 44 यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या है जी में आठ फरवरी दो को पूछा गया ब्राइट का कोड ये है ब्रोकन का कोड ये है तो उसी प्रकार बजट का कोड क्या होगा तो देख लेते हैं भाई ब्राइट का बी आर आई जी एच टी ब्राइट का कोड दिया हुआ है जे एस सी वी जे आई इनकी वैल्यू देखें और इसी तरीके से ब्रोकन का भी कोड दिया है बी आर ओ के ई एन ब्रोकन का कोड दिया है पी एस सी पी जी एम ठीक है B की वैल्यू टू है R की एटीन है I की नाइन है G की सेवन है H की एट है T की ट्वेंटी है J की टेन है F की नाइनटीन है C का थ्री है V का ट्वेंटी टू है J का टेन है I का नाइन है अब यहाँ पर अगर देखें तो इसको डिवाइड कर लेते हैं तीन तीन के भाग में तो नौ और एक दस अट्ठारह और एक उन्नीस दो और एक तीन यानि यहाँ पर प्लस वन हो रहा है बीस और दो बाईस आठ और दो दस सात और दोनों यानी प्लस टू हो रहा है आधे आधे डिवाइड कर लेते हैं तीन अलग तीन अलग उस तीन में देखेंगे तो प्लस वन करके उल्टा लिखा गया यहाँ भी प्लस टू करके उल्टा लिखा गया ऐसे बी की वैल्यू टू है आर की एटीन है ओ की फिफ्टीन है के इलेवन है ए की फाइव है एन की फोर्टीन है यहाँ पर पी की वैल्यू सिक्सटीन है एस की नाइनटीन है सी की थ्री है पी की सोलह है सेवन है थर्टीन है अगर इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं आधा आधा तो अब आधा देखिए जरा पंद्रह और एक सोलह अठारह और एक उन्नीस दो और एक तीन यानी प्लस वन हुआ चौदह दो सोलह पांच दो सात ग्यारह दो तेरह यानी प्लस टू हुआ बात समझ में आ गई यही चीज अपने को बजट में करना है तो बी यू डी जी ई टी अब बजट में अगर यही चीज करेंगे तो क्या आंसर आएगा देख लेते हैं टी में प्लस वन करेंगे प्लस वन करना है तो ई e आ जाएगा यू में प्लस वन करेंगे V आ जाएगा बी में प्लस वन करेंगे सी आ जाएगा अब इनमें प्लस टू करना है टी में प्लस टू करेंगे बी E में प्लस टू करेंगे जी जी में प्लस टू करेंगे आई हो जाए सी बी जी आई ई वी सी बी जी आई यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉजिक समझ में आ रहा है ठीक है क्वेश्चन नंबर 131 देख लेते हैं क्या है? एक निश्चित कोड भाषा में ब्यूटी को डी डी जेड टी बी एन एन टी एच जेड लिखा जाता है उस भाषा में क्लीप को कैसे लिखा जाएगा 8 फरवरी 2023 को यह प्रश्न पूछा गया है तो देख लेते हैं इसको भी ब्यूटी ई ए, ए, ए यू टी वाई, ब्यूटी, का कोड है दी दी डी डी जेड टी वी एसे ही ग्लोरिया जी एल ओ आर आई ए ग्लोरिया का कोड है आई डबल एम टी एच जेड तो चलिए पहले तो इनका लॉजिक समझते हैं बी की वैल्यू दो है ई की पांच है ए का वन है यू का इक्कीस है टी का ट्वेंटी है वाई का पच्चीस है डी का फोर है फोर है ट्वेंटी सिक्स है ट्वेंटी है, ट्वेंटी है ट्वेंटी टू है और वन है ठीक है दो से चार यानी प्लस टू पांच से चार यानी माइनस वन एक से छब्बीस यानी माइनस वन इक्कीस से बीस यानी माइनस वन बीस से बाईस यानी प्लस टू पच्चीस से एक यानी प्लस टू ठीक है प्लस टू भी हो रहा है माइनस वन भी हो रहा है बट रैंडम हो रहा है कहाँ पे माइनस वन हो रहा है कहा अपन को पता लगाना होगा यहाँ भी देख लेते हैं G की वैल्यू सेवन है एल का ट्वेल्व है ओ का फिफ्टीन आर का एटीन है आई का नाइन है ए का वन I का नाइन है, है।, है N का फोर्टीन है N का फोर्टीन है T का ट्वेंटी है H का एट है Z का ट्वेंटी सिक्स अब जरा यहाँ पर अगर देखें तो सात से नौ यानी प्लस टू हो रहा है बारह से चौदह प्लस टू हो रहा है पंद्रह से चौदह माइनस एक अठारह से बीस प्लस टू हो रहा है नौ से आठ माइनस का एक से माइनस का अब आप देखो कि कहां पे माइनस एक हुआ है कहां पे 2 हुआ है उनके बीच का डिफरेंस निकालें। तो देखो यहाँ पर माइनस एक हुआ है यहाँ पे माइनस एक हुआ है यहाँ भी 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 माइनस एक हुआ है जहां जहां पे माइनस वन हुआ है वो सारे के सारे अक्षर आप देखेंगे तो आपको वॉवल्स लगेंगे वो सारे के सारे अक्षर क्या है, है यानी वॉवल्स में माइनस वन करना है और जो बाकी अक्षर है उनके अंदर अपन लोग क्या करेंगे प्लस टू करेंगे हमें क्लीव का आंसर लिखना है सी एल ई ए क्लीव में अब सी अदर में प्लस टू करना है तो सी में प्लस टू करेंगे ई e हो जाएगा एल में प्लस टू करेंगे एन हो जाएगा ई e में माइनस वन करेंगे क्योंकि वॉवेल है तो डी हो जाएगा ए में माइनस वन करेंगे जेड हो जाएगा बी में प्लस टू करेंगे एक्स हो जाएगा ई e क्या है वॉवेल है तो माइनस वन करेंगे डी हो जाएगा ई एन डी जेड एक्स डी ई D जेड एक्स डी यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन थर्टी टू आठ फरवरी दो हजार तेईस को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि ही इज लेट का कोड है ही इज लेट का कोड है आहू लू सी इज एक्सपेक्टेड सी इज एक्सपेक्टेड का कोड है बो ओ हु, मा सी अराइव्ड लेट वी अराइव्ड लेट का कोड है वो कालू तो अराइव्ड का कोड आपको बताना है कि क्या होगा तो जरा देख लेते हैं ही इज लेट सी इज एक्सपेक्टेड इज इज कैंसिल आउट हु हु कैंसिल आउट टी सी कैंसिल आउट बो बो कैंसिल आउट यहां पे क्या बचा है एक्सपेक्टेड यहां पे क्या बचा है एम ए arrive late पहले और तीसरे में अगर देखें तो लेट लेट कॉमन है लूलू कॉमन है यहाँ पे क्या बचा है arrived यहाँ पे क्या बचा है के arrived का कोड क्या हो जाएगा के तो arrived का कोड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा के सिंपल है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 133 देख लेते हैं जीडी का ही क्वेश्चन है 8 फरवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्या है ही केम फॉरवर्ड ही केम फॉरवर्ड का कोड है ए आर के एमयू दूसरा मूव फॉरवर्ड का कोड है बी एम यू ही मस्ट मूव ही मस्ट मूव का कोड है ए आर डी यू बी ए हमें तो मस्ट का कोड बताना है उसी तरीके का क्वेश्चन है देख लो ही कॉमन है M -U -M -U common है है move forward, he must move. Move, move common है ठीक यहां पर ए आर आर कॉमन है, है. यहां पर, पर क्या बचा है मस्ट यहां पर क्या बचा है डी यू तो मस्ट का कोड क्या हो जाएगा डी यू हो जाएगा यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वन थर्टी फोर क्या है यह भी आठ फरवरी दो हजार तेईस को ही थर्ड फिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है फीवर ओरिजिन फीवर ओरिजिन का कोड है ट्री क्लाउड एप्पल ओरिजिन एप्पल ओरिजिन का कोड है ब्राउन क्लाउड सैंडविच फीवर सैंडविच फीवर का कोड है टू ट्री तो एप्पल का कोड क्या होगा यह आपको बताना है फीवर ओरिजिन एप्पल ओरिजिन 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 कैंसिल आउट यहां पे क्लाउड क्लाउड कैंसिल आउट तो यहाँ पे क्या बचा है एप्पल और यहाँ पर क्या बचा है ब्राउन तो एप्पल का कोड सीधा-सीधा क्या हो जाएगा ब्राउन यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर देख लेते हैं एसएससी जीडी में 8 फरवरी 2023 को पूछा गया सवाल कि निश्चित कोड भाषा में आंड को 94 लिखा जाता है गंड को 80 लिखा जाता है उसी भाषा में डॉलर को कैसे लिखा जाएगा ठीक है E -A -R -N -E -D, का कोड है 94. अब जरा इसको लिखा जाए इसकी वैल्यू पहले देखें एन की वैल्यू फोरटीन है ई e की वैल्यू फाइव डी की वैल्यू फोर है पांच एक छ आठ चौदह चौदह चार अठारह चार बाईस एक तेईस तेईस चार सत्ताईस हासिल लगा दो का दो एक तीन एक चार सैतालीस हो गया और सैतालीस का अगर डबल कर दें तो ये नाइन्टी फोर आ जाएगा यानी यहां पर जो भी जोड़ने पे आ रहा है उसका डबल कर देते हैं ठीक है चेक कर लेते हैं क्या सब में यही होता है गेंड का कोड देख लेते हैं तो G A I N E D गेंड का कोड यहाँ पे कोड कितना दिया अस्सी G की वैल्यू सेवन A का वन I का नाइन N का फोर्टीन E का फाइव D का फोर जोड़ लेते हैं सात एक आठ आठ नौ सत्रह सत्रह चार इक्कीस पांच छब्बीस तीन तीन चालीस का अगर डबल कर लेते हैं तो क्या आ गया एट्टी आ गया यानी यहां भी डबल कर लिया तो बस हमें डॉलर की वैल्यू जोड़नी है जो भी जोड़कर आएगा उसका डबल कर लेंगे तो डी ओ एल एल ए आर डॉलर डी की वैल्यू फोर ओ की वैल्यू फिफ्टीन L की 12, L की 12, की 1, की वैल्यू 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 जोड़ देते हैं चार पांच नौ नौ दो दो तेरह एक चौदाह चारिक्सटी टू डबल कर लेते हैं दो दुना के चार दो छका बारह सीधा सीधा आंसर वन ट्वेंटी फोर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा वन ट्वेंटी फोर इसका सही जवाब हो जाएगा बस क्या किया सबकी प्लेस वैल्यू को हमने जोड़ा है और जो भी जोड़कर आया है उसका हमने डबल कर दिया है सिंपल यही है हमने जो जोड़ा है वो क्या है प्लेस वैल्यू जोड़ी गई है ये प्लेस वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सिक्स क्या है आठ फरवरी दो हजार तेईस को फोर्थ शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है क्या है वी मस्ट स्टॉप ये सब कॉमन फाइंडिंग वाले क्वेश्चन है आप देख लो कितना आते हैं ओ बाहू ओ बाहू स्टॉप दिस नॉइस स्टॉप दिस नॉइस का कोड है हुई यू मस्ट कम यू मस्ट कम का कोड है नू बा का नू बा का और यू कम फॉरवर्ड यू कम फॉरवर्ड का कोड है नू का को तो आपको फॉरवर्ड का कोड बताना है कि क्या होगा देखिए वी मस्ट स्टॉप स्टॉप दिस नॉइज स्टॉप स्टॉप कॉमन है यहां पर क्या कॉमन है हु और हु कॉमन है ठीक हमें कोड किसका बताना है फॉरवर्ड का बताना है ठीक so है अब देखिए स्टॉप दिस नॉइज यू मस्ट कम वी मस्ट यू मस्ट तो मस्ट और मस्ट कॉमन है पहले और तीसरे में क्या कॉमन है बा और बा कॉमन है ठीक है अब देखो यू कम ये यू ये यू ये कम ये कम यहाँ पे क्या है नू नू का का क्या बचा है यहाँ पे सीओ यहां यहाँ पे क्या बचा है फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड का कोड क्या हो जाएगा सीओ हो जाएगा यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसी तरीके से कॉमन फाइंडिंग वाले क्वेश्चन हम करते हैं ठीक है चाइनीज कोडिंग वाले वाले वीडियो आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर देखें क्वेश्चन भी नौ फरवरी दो हजार तेईस को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया जे यू डब्ल्यू वाई जी लिखा जाता है बियर्ड को डी के सी एस एफ लिखा जाता है क्रेव को कैसे लिखा जाएगा ठीक है हाउस एच ओ यूएसई हाउस का कोड है जे यू डब्ल्यू ठीक है बी एड का कोड है बीई एड -E का कोड है डी के सी एक्स एफ ठीक है एच की वैल्यू एट है ओ की वैल्यू फिफ्टीन है यू का ट्वेंटी वन है एफ का नाइनटीन है ई e का फाइव है जे का टेन है यू का ट्वेंटी वन है डब्ल्यू का ट्वेंटी थ्री है वाई का ट्वेंटी फाइव है जी का सेवन है आठ से दस प्लस टू पंद्रह से इक्कीस प्लस सिक्स इक्कीस से तेईस प्लस टू उन्नीस से पच्चीस प्लस सिक्स पांच से सात प्लस टू बी की वैल्यू टू है ई e की फाइव है ए e e का वन है आर का 18 है डी का फोर है डी का फोर है के का इलेवन है सी का थ्री है एक्स का ट्वेंटी फोर है ये सिक्स है दो से चार प्लस टू पांच से ग्यारह प्लस सिक्स एक से तीन प्लस टू अट्ठारह से चौबीस प्लस सिक्स चार से दो यानी प्लस टू प्लस सिक्स प्लस टू प्लस सिक्स प्लस टू प्लस सिक्स यही कॉन्सेप्ट चल रहा है हमें क्रेप का कोड बताना है सी आर ए वी ई तो पहले प्लस टू करेंगे सी में प्लस टू करेंगे ई e हो जाएगा अठारह में प्लस सिक्स करेंगे चौबीस एक्स हो जाएगा ए में प्लस टू करेंगे तो सी हो जाएगा वी में प्लस सिक्स करेंगे अट्ठाईस यानी बी हो जाएगा फिर प्लस टू करेंगे जी हो जाएगा ई एक्स सी बी जी ई एक्स सी बी जी यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138 9 फरवरी 2023 को यह भी प्रश्न कॉमन फाइंडिंग का ही है क्या है मेक टाइम मेक टाइम का कोड दिया है बो हो टाइम नेवर स्टॉप टाइम नेवर स्टॉप का कोड है हो रू डू सी स्टॉप वर्क सी स्टॉप वर्क का कोड है वी यू डी यू वाई ए नेवर मेक मिस्टेक नेवर मेक मिस्टेक का कोड है आर यू बी ओ टी यू अब आपको नेवर का कोड बताना है क्या होगा तो देख लेते हैं मेक टाइम टाइम नेवर स्टॉप टाइम टाइम कैंसिल आउट हो हो कैंसिल आउट सी नेवर टाइम नेवर स्टॉप सी स्टॉप वर्क तो स्टॉप स्टॉप कैंसिल आउट और डी यू डी यू कैंसिल आउट नेवर मेक मिस्टेक तो नेवर नेवर कैंसिल आउट और रू रू कैंसिल आउट ठीक है यहां पे पहले और चौथे में मेक मेक कैंसिल आउट हमें नेवर का बताना था तो नेवर का यहां भी नेवर था यहां भी नेवर था तो यहां पे रू था रू था तो नेवर का कोड क्या हो गया रू हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है नेवर का कोड क्या हो जाएगा आर यू हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर वन थर्टी का कोड दिया हुआ एल ओ एम डी एन के रूप में कूटबद्ध किया जाता है रेजिन का कोड आई एन आई के रूप में कूटबद्ध किया जाता है उसी भाषा में कैश को किस प्रकार कोड किया जाता है नौ फरवरी को पूछा गया है बहुत सिंपल है एलमंड एल एम ओ एन डी एलिमंड का कोड है एल ए ओ एम डी एन दूसरा क्या है रेजिन मतलब किसमिस का कोड है ए आर एस आई एन आई तो बस सिंपल सा लॉजिक है देखो क्या है ए एल को उल्टा लिखा गया एल ए एम ओ को उल्टा लिखा गया ओ एम n d को उल्टा लिखा गया d n r a को उल्टा लिखा गया a r i s को उल्टा लिखा गया s i i n को उल्टा लिखा गया है n i अब हमें बताना है cashew तो c a को उल्टा लिखोगे a c s h को उल्टा लिखोगे h s e w को उल्टा लिखोगे w e c h s w e एच एस डब्ल्यू राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं क्या है एक कूट भाषा में यह भी 9 फरवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कूट भाषा में दिया है बेरी मैंगो बेरी मैंगो का कोड है एक्स आई एक्सफा बेरी टेंगो अल्फा बेरी टैंगो का कोड है कन वी आवर और मैंगो अल्फा मैंगो अल्फा का कोड है एक्स कन बेरी टैंगो बेरी टैंगो का कोड है एक्स आई ओ यू आर तो हमें अल्फा का कोड बताना है क्या होगा चलिए देख लेते हैं अल्फा बेरी टैंगो तो बेरी टैंगो दूसरे और चौथे से देखो बेरी टैंगो बेरी टैंगो क्या कोड है कन पर क्या बचा है अल्फा अल्फा का कोड सीधे सीधे कन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 140 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 फरवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है क्या है एब्रॉड का कोड है ए बी आर ओ ए डी एब्रॉड का कोड है आर बी ए डी एब्रॉड का कोड क्या दिया है देख लीजिए यहां पर अगर हम अल्फाबेट को ऐसे लिख लें ठीक है तो पहले किसको लिखा गया है थ्री फिर क्या लिखा गया है? टू फिर क्या लिखा गया वन यानी पहले इन तीनों को उल्टा लिखा गया फिर ओ एडी फोर फाइव सिक्स को सीधा लिख दिया गया ठीक उसी प्रकार एक्सेप्ट ए डबल E पी टी एक्सेप्ट को पहले इन तीनों को उल्टा उल्टा लिख दो फिर इसको सीधा लिख दो ई पी टी ठीक ऐसे ही एक्टिव को लिखना है ए सी टी आई V ई -E, इन तीनों को उल्टा लिखो टी सी ए इसको सीधा लिख दो आई बी टी सी ए आई V ई -E, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 142 फोर्टी टू एस एस में नौ फरवरी दो हजार तेईस को पूछा गया सवाल है बेबी का कोड 20 है एडल्ट का कोड 30 है उस भाषा में उमेन का कोड क्या होगा अब यहां पर अगर आप लॉजिक लगाओ तो यहां पर क्या लॉजिक लगता है सोच के देखो बेबी की अगर वैल्यू आप देखोगे तो बेबी की वैल्यू क्या हो जाएगी जोड़ोगे तो थर्टी आ रही होगी ठीक है तो ऐसे कर लेते हैं यहां पर कितने अल्फाबेट है एक दो तीन चार अल्फाबेट है चार का गुणा पांच से कर लो ट्वेंटी आ गया यहाँ पर कितने अल्फाबेट है एक दो तीन चार पांच छह अल्फाबेट है छह का गुड़ा पांच से कर दो थर्टी आ गया यानी गुड़ा पांच से ही करना है जितने भी अल्फाबेट दिए गए हैं उनका गुड़ा जितने भी अल्फाबेट दिए गए उनका गुड़ा पांच से करना है तो हमें उमेन का कोड बताना है उमेन कितने अल्फाबेट हैं दो तीन चार पांच तो पांच का गुड़ा पांच से कर लो सीधा सीधा आंसर पच्चीस आ जाएगा यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाए सीधा सीधा आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते नंबर वन फोर्टी थ्री क्या कहता है यह भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी थ्री क्या है नौ फरवरी दो हजार तो के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया क्या है डोर वार डोर वार का कोड है प्लेन पोटैटो कॉली फ्लावर वार्लावर वार का कोड है रेस कार प्लेन डोर टॉवर का कोड है डोर टावर का कोड है, है। पोटैटो माउंटेन तो टावर के लिए क्या कोड होगा बस सिंपल है वार डोर डोर तो पहले और तीसरे में डोर डोर कॉमन पोटेटो पोटेटो कॉमन तो यहाँ पे बचा टावर यहाँ पे बचा माउंटेन सीधा सीधा टावर का कोड माउंटेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन 9 फोर नौ फरवरी दो हजार को फोर्थ शिफ्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन है निश्चित कूट भाषा में पेस्ट का कोड एफ यू टी बी क्यू लिखा जाता है वाइस का कोड टी एफ टी जे डब्ल्यू लिखा जाता है तो स्टार्ट का कोड क्या होगा पेस्ट पी एस टी ई -E. पेस्ट का कोड क्या है एफ यू टी बी क्यू आप अगर इसको सॉल्व करें या दूसरे को भी ही लेते हैं वाइफ वी आई बी एफ वाइफ का कोड है टी सी टी एफ सी जे डब्ल्यू अगर इसकी वैल्यू देखें प्लेस वैल्यू तो P की वैल्यू सोलह है A की वन है S की नाइनटीन है T की ट्वेंटी है E का फाइव का सिक्स है है इक्कीस दो है ये सत्रह ठीक है, है, है।, है अब देखो अगर उल्टा देखो पांच से प्लस एक करोगे छह बीस में प्लस एक करोगे इक्कीस उन्नीस में प्लस एक करोगे 20, एक में प्लस एक करोगे सोलह में प्लस एक करोगे सत्रह यानी प्लस वन हो रहा है लेकिन उल्टा किया गया ठीक ऐसे ही बी की वैल्यू ट्वेंटी टू है आई की नाइन है बी की टू है ई e का फाइव है एस का नाइनटीन e है टी का ट्वेंटी है एफ का सिक्स है सी का थ्री है जे का टेन है ट्वेंटी थ्री उन्नीस में प्लस वन किया बीस पांच में प्लस एक किया छह दो में प्लस एक किया तीन नौ में प्लस एक किया दस बाईस में प्लस एक किया तेईस प्लस प्लस वन करना है और क्या करना है उल्टा लिखना है तो हमें बताना स्टार्ट का कोड एस टी ए आर टी तो टी में प्लस वन करेंगे यू आर में प्लस वन करेंगे बी टी में, में प्लस वन करेंगे यू एस में प्लस वन करेंगे टी यू एस बी यू टी यू एस बी यू टी यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी फाइव क्या है तेरह फरवरी दो हजार तेईस को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है शेख का कोड क्या दिया हुआ है एक निश्चित गुट भाषा में शेख का कोड है एच के एस एच के एस ए रिवर का कोड है आर आई V ई -E आर रिवर का कोड है आर आर वी ई आई तो हमें ओसियन का कोड आपको बताना है ठीक है? ओसियन का कोट यह आपको बताना है लॉजिक लगाओ क्या लॉजिक है तो देखो अल्फाबेट का नंबरिंग कर लो पांच है तो पहले क्या लिखा गया है दूसरा फिर लिखा गया है चौथा फिर लिखा गया है पहला फिर लिखा गया है तीसरा फिर लिखा गया पांचवा ऐसे लिखा गया है जो अक्षर जिस नंबर पे वो लिखा गया है पहले दूसरा अक्षर फिर चौथा अक्षर फिर पहला फिर तीसरा फिर पांचवा इनको भी अगर उसी तरीके से नंबरिंग कर लें, तो पहले क्या लिखा गया है दूसरा यहां पे दूसरा नहीं लिखा गया है ठीक है एच के एफ ए तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखा गया है कि वॉवे को पहले अलग वॉवे जो हैं, उनको आखिरी में लिखा गया है यहां भी जो हैं ई और आई उनको भी देखो आप आखिरी में लिखा गया है तो यहां भी जो हैं ई और ए तो उनको आखिरी में लिखो ए और ई e हो जाएंगे क्रमवार से पहले जो वावल आता है वो पहले लिखना है बाद में जो आता है बाद में लिखना है ई e और ए में ए पहले आता है ई ई बाद बाद में तो e पहले, e बाद में तो ए पहले आई और ई e ई में e पहले आता है आई बाद में तो ई e पहले आई बाद में यहाँ पर ई और ए है तो ए पहले आता है अच्छा ओ भी तो है तो पहले ए ई ओ में पहले क्या लिखोगे ए e फिर लिखोगे ई फिर लिखोगे ओ पहले ए आता है फिर ई फिर ओ सी और एन में पहले क्या आता है सी फिर कौन आता एन तो सी एन ए हो जाएगा सी एन यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां भी आप देख लो अब एच के एस में पहले एच आएगा फिर के फिर एस एच के एस हो गया आर आर वी में पहले आर आएगा फिर आर आर वी हो गया यहां भी पहले सी एन में एन सी पहले आएगा एन बाद में तो इसलिए ये आपका आंसर हो गया ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देख लेते हैं तेरह फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है एक निश्चित कूट भाषा में पीपल को एनओ एम e. लिखा जाता है टेबल्स को आर ए बी आर बी ए आई एस लिखा जाता है तो उसी भाषा में मैच्योर को कैसे लिखा जाएगा तो चलिए इसको भी देखते हैं पीपुल पीईओ पी एल ई पीपल का कोड है n o e m e l ठीक एंसेड टेबल t a b l e s टेबल का कोड है r b a i s c -E. p की वैल्यू 16 है e का 5 है o की 15 है p का 16 है l का 12 है e का 5 14 है ये 15 है ये 5 है ये 13 है ये 5 है ये 12 है ठीक है हम्म अब यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है ये आपको देखना है अगर यहां पे ध्यान से देखें सोलह से चौदह हो रहा है माइनस का टू इनको अभी छोड़ दो सोलह से तेरह हो रहा है माइनस का थ्री फिर ये बारह से पांच हो रहा है माइनस का सेवन तो यहां पर अगर इसको लॉजिक को समझो तो यहां वॉवे और कॉन्सोनेंट का कुछ अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का कुछ अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है ठीक है इसको ऐसे देखें ये ओ इधर लिखा गया ई इधर लिखा गया है सोलह में से तेरह फिर ये एल इधर लिखा गया ई e इधर लिखा गया ठीक सोलह में से पहले माइनस दो किया गया इधर लिखा गया फिर इन दोनों को उल्टा फिर सोलह में से माइनस तीन किया टी की वैल्यू बीस की है यहां भी क्या हो रहा है माइनस का दो अब ये ए इधर लिखा है बी इधर लिखा है एल की वैल्यू कितनी है बारह ये हो गया नौ माइनस का तीन फिर ई e इधर लिखा है ऐसे इधर लिखा है लॉजिक समझ में आया तो मैच्योर को भी ऐसे लिखना है एम ए टी यू आर ई एम की वैल्यू तेरह है पहले माइनस दो करेंगे तो ग्यारह हो जाएगा यानी के फिर टी पहले लिखो ए बाद में लिखो फिर यू की वैल्यू इक्कीस है इक्कीस में तीन माइनस करना है माइनस का कर तीन करोगे तो अट्ठारह यानी आर हो जाएगा फिर ई इधर लिखो फिर आर इधर लिखो बस ये करना है के टी ए आर ई आर के टी ए आर ई आर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अच्छा सवाल था क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं तेरह फरवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल क्या है रिजल्ट आर ई एस यू एल टी रिजल्ट का कोड है एल यू टी ई आर एस ऐसे ही बारले बी ए आर एल -E ई वाई बार्ले का कोड है ई एल वाई ए बी आर अब जरा इस लॉजिक को समझे तब आपको पता चलेगा देखियो अगर इनको हम नंबरिंग कर ले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो पहले एल लिखा गया है फिर यू लिखा गया है फोर्थ फिर सिक्स फिर यहां पे ई e लिखा गया है टू फिर वन लिखा गया है फिर थ्री अगर यहां भी नंबरिंग कर लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो पहले ई e यानी फाइव लिखा गया है एल यानी फोर लिखा गया वाई यानी सिक्स ए यानी दो लिखा गया है बी यानी एक लिखा गया आर यानी थ्री मतलब पहले फाइव फोर सिक्स टू वन थ्री फाइव फोर सिक्स टू वन थ्री तो हमें हेवन का कोड बताना है एच ई ए वी ई एन अगर इसको भी हम नंबरिंग कर लेते हैं हेवन में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पहले फाइव लिखोगे यानी ई e. फिर फोर लिखोगे यानी बी फिर सिक्स लिखोगे यानी एन फिर टू लिखोगे यानी ई e. फिर वन लिखोगे यानी एच फिर थ्री लिखोगे यानी ए बी एन ई एच ए बी एन ई एच ए यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 148 फोर्टी एट तेरह फरवरी दो हजार तेईस को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया गाइड का कोड आपको दिया गया है गाइड गाइड का। G -U -I -D -E, का कोड क्या है? के डब्ल्यू एम एफ आई ऐसे का कोड आपको लिखा है क्या लिखा है डब्ल्यू एन एम ई आई अब जरा इसको देखा जाए ध्यान से जी की वैल्यू सेवन है यू की ट्वेंटी वन है आई की नाइन है डी का फोर है ई का फाइव ये इलेवन है ये ट्वेंटी थ्री है ये थर्टीन है यह सिक्स सात से ग्यारह प्लस का फोर इक्कीस से तेईस प्लस का टू नौ से तेरह प्लस का फोर चार से 6 प्लस का फोर प्लस टू प्लस फोर प्लस टू प्लस फोर प्लस टू एक्स प्लस 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 की वैल्यू नाइनटीन है एस की ट्वेल्व है आई की नाइन है सी का थ्री है ई का फाइव है ये ट्वेंटी थ्री है फोर्टीन है थर्टीन है या फाइव है या नाइन है, या 9 है. 19 से 23 यानी प्लस का 4, 12 से 14 प्लस का 2, 9 से 13 प्लस का 4, 3 से 5 प्लस का 2, पांच हो जाए प्लस फोर प्लस टू प्लस फोर प्लस टू तो हमें प्लस चार so, करेंगे जे हो जाएगा वन है प्लस टू करेंगे सी हो जाएगा नाइन है प्लस चार करेंगे तेरह हो जाएगा बीस है प्लस टू करेंगे बी हो जाएगा आठ है प्लस चार करेंगे बारह हो जाएगा जे सी यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वन फोर्टी नाइन तेरह फरवरी दो हजार तेईस को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल कोजेंट का कोड क्या दिया है तो सी ओ जी ई एन टी कोजेंट का कोड है एफ एम जे पी क्यू आर ऐसे ही ब्रिंक का कोड है ब्रिंक का कोड है ई पी एल एल एन क्या लॉजिक यहाँ पर लगा है जरा देखें पी की वैल्यू थ्री है ओ का फिफ्टीन है जी का सेवन है ई e का फाइव है एन का फोर्टीन है टी का ट्वेंटी है ये 6 है, ये सिक्स थर्टीन है टेन है सी है सेवनटीन है अठारह है। तीन से छह प्लस तीन पंद्रह से तेरह माइनस का दो सात से दस प्लस का तीन पांच से तीन माइनस कर दो चौदह से सत्रह प्लस का तीन माइनस कर दो 14 से 17 प्लस कर ऐसे B दो है R अठारह है आई एन है ये चौदह है ये ग्यारह है ये पांच है ये सोलह है ये बारह है ये बारह है ये चौदह है, ये 14 है। 2 से 5 3, 18 से दो से पांच प्लस तीन अठारह से सोलह माइनस का दो नौ से बारह प्लस तीन चौदह से बारह माइनस का दो यानी आप देखोगे प्लस थ्री माइनस टू प्लस थ्री माइनस टू प्लस थ्री माइनस टू यही चल रहा है तो बस रैंकड में आ जाओ आर एन के ई -E डी रैंकड इसका कोड क्या होगा पहले प्लस थ्री करो अठारह तीन इक्कीस यू हो जाएगा माइनस का टू करो तो वाई हो जाएगा प्लस का थ्री करो क्यू हो जाएगा माइनस का टू करो आई हो जाएगा प्लस का थ्री करो एच हो जाएगा माइनस का टू करो बी हो जाएगा यू वाई क्यू आई एच बी यू वाई क्यू आई एच बी यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं क्या है तेरह फरवरी दो हजार तेईस को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल फॉरेस्ट का कोड क्या दिया हुआ है? एफ ओ आर ई एच टी फॉरेस्ट का कोड एस पी जी बी यू जी और यहाँ पर फ्रेंच का कोड दिया हुआ है? एफ आर ई एन सी एच फ्रेंच का कोड एफ एस जी पी -E लॉजिक समझते हैं इसका क्या होगा है 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 ये 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 ठीक है अब देखो अगर मैं इसको आधा डिवाइड कर देता हूं तो अट्ठारह और एक उन्नीस पंद्रह और एक सोलह छह और एक सात यानी प्लस वन हो रहा है बीस और दो बाईस उन्नीस और दो इक्कीस पांच और दो सात यानी प्लस टू हो रहा है यहां भी अगर डिवाइड कर दू सिक्स एटीन फाइव सिक्स नाइनटीन सेवन तो पांच से एक छ अठारह एक उन्नीस छः और एक सात ये चौदह है ये तीन है ये आठ है दस है ये पांच है ये सोलह है आठ दो दस तीन दो पांच चौदह दो सोलह यानी प्लस टू प्लस लॉजिक समझ में आ गया तीन तीन का ऐसे तमाम क्वेश्चन हमने किए हैं तो फ्रेंड का कोड अगर करोगे एफ आर आई ई एन डी अगर इसका कोड आप करोगे तो कैसे करोगे तो यहां पर पहले प्लस वन करेंगे जे आर में प्लस वन करेंगे एस एफ में प्लस वन करेंगे जी यहाँ पे प्लस टू करेंगे तो एफ हो जाएगा एन में प्लस टू करेंगे तो पी हो जाएगा ई e में प्लस टू करेंगे जी हो जाएगा तो जे एफ जी एफ पी जी जे एफ जी एफ पी जी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वन फिफ्टी वन क्या है तेरह फरवरी दो हजार तेईस को पूछा गया एक निश्चित कूट भाषा में सबटल एस यू बी टी एल ई सबल का कोड क्या दिया है फोर्टी सी यू एम एफ और हैंगर का कोड क्या दिया है हैंगर का एच एन जी आर हैंगर का कोड है नाइनटी एच एफ एस लॉजिक समझते हैं इसका भी देखो एफ की वैल्यू कितनी है उन्नीस और यू की कितनी है इक्कीस अगर इनको जोड़ दिया जाए तो चालीस आ जाएगा अब देखो बी में प्लस वन कर दिया गया सी टी में प्लस वन कर दिया गया यू एल में प्लस वन कर दिया गया एम और ई e में प्लस वन कर दिया गया F, ये लॉजिक क्लियर है यहाँ पे देखो एच की वैल्यू एट ए की वैल्यू वन इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो नाइन आ गया अब एन में प्लस वन किया गया है ओ जी में प्लस वन किया गया एच ई e में प्लस वन किया गया एफ आर में प्लस वन किया गया F, अब यही चीज हमें क्लोथ में करनी है सी एल ओ टी एच C की वैल्यू तीन L की वैल्यू बारह इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया पंद्रह O में प्लस वन करोगे P T में प्लस वन करोगे U H में प्लस वन करोगे I पंद्रह P U I यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा क्लियर है चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 152, 13 फरवरी 2023 के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया सवाल ड्राइवर का कोड दिया है डी आर आई E आर ड्राइवर का कोड है जे एस ई टी जी एक्स ठीक उसी प्रकार ड्यूरिंग का कोड है ड्यूरिंग का कोड है एस E आई पी के इनका कोड अगर देखा जाए तो इसका लॉजिक समझते हैं क्या है ये फोर है ये अट्ठारह है नौ है बाईस है पांच है अठारह ठीक यहाँ पे दस है उन्नीस है पांच है बीस है सेवन है चौबीस है फिर से इसको आधा करके देखते हैं तो नौ और एक दस अठारह और एक उन्नीस चार और एक पांच यानी प्लस वन अट्ठारह दो बीस पांच दो सात बाईस दो चौबीस प्लस टू लॉजिक समझ में आ ऐसे लॉजिक तमाम हमने किए हैं D की वैल्यू फोर यू ट्वेंटी वन आर एटीन आई नाइन एन फोर्टीन जी सेवन ये ट्वेंटी टू है ये फाइव है ये नाइन है ये सिक्सटीन है ये इलेवन है डिवाइड कर दो आधे अठारह एक उन्नीस इक्कीस और एक बाईस चार और एक पांच प्लस वन सात दो नौ चौदह दो सोलह नौ दो ग्यारह प्लस टू बस इसी लॉजिक को हम फॉलो करेंगे डॉलर में डी ओ एल L A R पहले प्लस वन करेंगे तो M हो जाएगा O में करेंगे तो P हो जाएगा D में करेंगे तो E हो जाएगा यहां प्लस टू करेंगे तो T हो जाएगा A में करेंगे तो C हो जाएगा L में करेंगे N हो जाएगा M P E T C N राइट आंसर ऑप्शन नंबर D है तो यहां पर आपका कोडिंग और डिकोडिंग खत्म होता है कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी SSC GD में अभी 2023 में सवाल पूछे गए थे उन सभी सवालों को हमने यहाँ पर आपको करा दिया है ठीक है तो कोडिंग डिकोडिंग एसएससी एस एस के लिए हमने कंप्लीट करा दिया नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर लेकर आएंगे चैप्टर नंबर टू तब तक के लिए थैंक यू ऑल द बेस्ट गुड लक फिर मिलेंगे अगली क्लास में जय हिंद